हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने काफ़ी फरमाइश की थी कि आप लोग को डोरमेट बताया जाए कली वाला। तो मैंने आप लोग को डोरमेट बताया था, आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है उस पर। तो उस पर बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है फ्रेंड्स कि आप लोग को स्टार्टिंग से बताया जाए। तो आज मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बताऊँगी। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ऊल लिया हुआ है, नॉर्मल ऊल ली है मैंने। 10 नंबर की हमने यहाँ पर नीडल यूज़ की हुई है। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको फंदा डालना बताएंगे। तो फंदे डालने मैंने कई बार बताए हैं, लेकिन फिर आज मैं आपको स्टार्टिंग से, तो इसको मैंने डबल कर लिया है। सिर्फ मैं यहाँ पे 10 से 12 फंदे डाल के आप लोग को बताऊंगी कि कैसे बनाना है। तो इसको देखिए, इस पे ऐसे हमने राउंड किया, डबल वाला धागा ले जाके, और फिर ये देखिए, ये जो हमने डबल धागा किया है ये हमारे राइट हैंड में रहेगा, सिंगल धागा वाला ऊन हमारे लेफ्ट हैंड में रहेगा। फिर देखिए, इसको हमने इसके ऊपर से लेके ऐसे उतार दिया, ये हमारे एक फंदे हो गए, एक ये पहले का। अब देखिए, फिर इसको हम ले गए, इसको ले गए। डोरमेट के फंदे हमेशा लूज होने चाहिए, ना ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा ढीला होना चाहिए। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 4 5 4 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए हैं। फिर देखिए, मैं आप लोग को छोटा सा बना के दिखाऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों ने कहा है कि आप लोग को शुरू से बताया जाए, तो मैं आप लोग को स्टार्टिंग से एकदम बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो पूरी वीडियो पे आप लोग बने रहें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 2 12 12 फंदे हो गए। सिर्फ मैं आप लोग को 12 ही फंदे में बना के दिखाऊँगी। तो सबसे पहले देखिए, स्टार्टिंग से ही डिज़ाइन बनना शुरू हो जाता है। ये कली वाला डिज़ाइन है, देखिए कली वाली जो डिज़ाइन बनेगी ये स्टार्टिंग से ही बनना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए, हमने यहाँ पे दूसरी सलाई ले, सेकंड सलाई, यहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे। देखिए, पहले सलाई से ही हम फंदे, आप चाहें तो दो तरीके से मैंने आप लोग को फंदे बढ़ाना बताया है, या तो आप ऐसे भी इसके ऊपर से, सलाई के ऊपर से लपेट के फंदे बढ़ा सकते हैं, या तो एक फंदे में दो बार। तो ये सिंपल तरीका है। अब इस फंदे को हम बुन देंगे। देखिए, तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया। पेयर के हिसाब से आपने फंदे डालने हैं, 2 के मल्टीपल से, जैसे 6 2 12 फंदे हमने यहाँ पे डाले हैं, तो आपके आपने 2 के मल्टीपल ही फंदे डालने हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम सभी फंदे को बुनेंगे। एक फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाया है, आगे की साइड से हमने फंदे को बढ़ा लिया फ्रेंड्स। ये देखिए, लास्ट में हम यहाँ पे दो फंदे छोड़ेंगे। तो ये देखिए, हमने लास्ट में दो फंदे, ये दो ही फंदे फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमने यहाँ पे नॉट नहीं लगाया, तो हम ऐसे ही बनाते हैं। तो ये देखिए, आप कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पे आप लोग को 3 फंदे या 4 फंदे लग रहे हैं, ये दो ही फंदे हैं। तो इसको हमने छोड़ दिया। फिर सलाई को अपनी साइड हम पलट लेंगे। सलाई को पलटने के बाद देखिए, हमने सलाई को अपनी साइड पलट लिया। अब देखिए, हम इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे, या तो आप उतार लें या तो पूरे बुन लें। तो चलिए, हम यहाँ पे बुन लेते हैं ताकि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब सभी फंदे को हम यहाँ पे बनाएंगे। तो आप लोग काफ़ी बार पूछते हैं कि अगर आप लोग को बड़ा बनाना है, जैसे 40 फंदे का बनाना है, 44 फंदे का बनाना है, तो कितने कितने फंदे छोड़े। देखिए, सेम प्रोसेस यही रहेगा जैसे मैं बना रही हूँ। चाहे आप इसमें साड़ी वाला बनाइए, साड़ी पुराने दुपट्टे और साड़ी टी शर्ट से भी आप बना सकते हैं, तरीका आपका सेम यही रहेगा। एक एक फंदे आपने बढ़ाने हैं और दो दो फंदे आपने छोड़ने हैं, तो आपका सिस्टम वही रहेगा। देखिए, एक फंदे फिर हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। बस एक चीज़ आपने केयर करना है कि अगर आप 10 फंदे बढ़ा रहे हैं तो हर टाइम आपने 10 फंदे ही बढ़ानी है सभी कली में, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा और फंदा हमारा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए, अभी हमने दो फंदे छोड़े थे, यहाँ पे दो फंदे छोड़े थे, अब फिर दो फंदे छोड़ेंगे। हमेशा हमने यहाँ पे दो दो फंदे पीछे की साइड से छोड़ते हुए जाना है, और आगे की साइड से हमने एक एक फंदे बढ़ाते हुए जाना है। तो आप जब फंदे बुन के गिन के डालेंगे, तो अब हमने यहाँ पे 12 फंदे डाले थे, दो फंदे हमारे बढ़ गए हैं, तो 14 फंदे हो गए हैं। यहाँ से हमारे देखिए फ्रेंड्स, एक एक फंदे दो बार बढ़ गए हैं। फिर अब देखिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अब दो फंदे फिर से छोड़ दिए। अब इसको हम सलाई को यहीं से पलट लेंगे।
पेयर के हिसाब से हमने फंदे भी छोड़ने हैं दो दो करके, और एक एक फंदे हमने इस साइड से बढ़ाना है। बाकी के फंदे हम ऐसे बुन लेंगे। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे हमारे तीन बार हमने दो दो फंदे छोड़े हैं, सॉरी तीन बार यहाँ पे। अब हमारे यहाँ पे देखिए तीन फंदे बढ़ भी गए हैं। फिर से हमने यही करना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फंदे बढ़ा सकते हैं। तो मैं सिर्फ अभी इतने फंदे में चार ही फंदे बढ़ाऊँगी। अगर आप 40 फंदे का बना रहे हैं तो आप 10 फंदे भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पे चार फंदे बढ़ा लिए हैं। चार फंदे हमने फ्रेंड्स बढ़ा लिए हैं। ये देखिए, आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा कि यहाँ से ये चार फंदे बढ़े हैं और चार बार दो दो फंदे यहाँ पे छोड़े गए हैं। यहाँ पे हमने चार फंदे बढ़ाने के बाद अब क्या करना है, देखिए यहीं से हम कम भी करेंगे। तो दो फंदों को एक साथ हम बनाएंगे। देखिए, दो फंदों को एक साथ हमने बुन दिया। अब बाकी के सभी फंदे को हम बनाएंगे। जैसे हमने पहली सलाई से ही फ्रेंड्स बुनना शुरू किया था, वैसे ही हम जैसे बढ़ाना शुरू किया था वैसे ही जब हमारे चार फंदे बढ़ जाएंगे तो हम सभी फंदे को बना लेंगे। यहाँ पे देखिए, एक भी फंदे हमने छोड़ना नहीं है। सभी फंदे को देखिए हमने यहाँ पे बढ़ा लिया। ये देखिए, अब इसको हमने पलटा। पलटने के बाद हम दो फंदे को यहाँ पे ऐसे पीछे की साइड से उतार लेंगे। ये देखिए, हमने इसलिए उतार लिया क्योंकि हम सभी फंदे बुन लिए थे। दो फंदे हमने उतारा और अब बाकी के पीछे की साइड से सभी फंदे को उल्टा उल्टा बना लेते हैं। फिर हम आगे की साइड आए, यहाँ पे दो फंदे का एक करेंगे। देखिए, दो फंदे का एक किया और दो फंदे हमने पहले ही छोड़े थे फ्रेंड्स पीछे की साइड से, हमने जो दो फंदे छोड़े थे। अब फिर हमने यहाँ पे दो फंदे और छोड़ दिए पीछे की साइड से। हमने वो जो दो फंदे ले लिया था, बुना नहीं था, उसको भी काउंट करेंगे और दो फंदे इसको ले लिया हमने। पीछे की साइड से सभी फंदे को हम बना लेते हैं उल्टा उल्टा। फिर देखिए, हम आगे की साइड आ गए, दो फंदे फिर से हम कम करेंगे। यहाँ पे देखिए, दो फंदे को एक साथ हमने बना लिया। देखिए, यहाँ पे फिर दो फंदे हम छोड़ देंगे। तीन बार हमने दो दो फंदे कम किए और तीन बार दो दो फंदे हमने छोड़ दिया है। ये देखिए, तीन बार हमने फंदे छोड़े, तीन फंदे घटा भी, लास्ट में एक फंदा और हम कम करेंगे। एक दो तीन चार, लास्ट में एक फंदा हमने फ्रेंड्स कम कर दिया यहाँ पे। अब इसको पीछे की साइड से जितने फंदे हमारे बचे हैं उसको हम बना लेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पे टोटल 12 ही फंदे डाले थे। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 6 2 12, तो 12 फंदे हमारे पूरे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो अभी ये आपका पता नहीं चल रहा है फ्रेंड्स, जब यहाँ पे दो तीन कली बनेगी तो अच्छे से ये बने। अब देखिए, आप लोग कहते हैं सेकंड कलर हम कैसे जोड़े, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई हमने ना फंदा बढ़ाना है ना घटाना है। इस सलाई को हम पूरे फंदे को हम बना लेंगे पीछे की साइड से, क्योंकि हमने दूसरा कलर लगाना है। तो इस सलाई को हमने पूरा फंदे को बना लेंगे सीधा, सॉरी उल्टा उल्टा।
दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही बनाए हैं। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी फंदा या बनाते समय स्किप नहीं किया है, ताकि आप लोग को समझ में आए और वीडियो बड़ी भी बन गई होगी। अब देखिए हम यहाँ पे सेकंड कलर जोड़ेंगे। पीछे की साइड से आपके पास सेकंड कलर जो भी है आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ये डिज़ाइन बनेगी। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट करें, नहीं भी आया होगा फिर भी।